अधूरा अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदीच हड्डियां गलाए, आओ घर से दिया जलाए आओ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकाभिमान से डरता हूं। जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। उनकी माता का नाम कृष्णा देवी था और पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी। वे आजीवन अविवाहित रहे। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे कद्दावर नेता थे जो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उनको राजनीति की शिक्षा तभी से मिलना शुरू हो गया जब वे 1942 के भारत छोड़ो स्वतंत्रता आंदोलन में 23 दिन तक जेल में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी को बचपन से ही कविता बनाने का शौक था। उनकी कविता संसद भवन में भी लोग काफी चाव से और शांति से सुनते थे। उनमें से एक कविता यह जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। फिर भी लिखता है, इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है, पीठ में छुरी सा चांद रा हो गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली, कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से पूरी की और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में मास्टर की डिग्री हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति में सक्रियता 1944 में हुई जब वे आर्य समाज के महासचिव बने। इससे पहले 1939 में वे राष्ट्रीय स्वयं संघ में स्वयं सेवक के रूप में
शामिल हो चुके थे। जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर रग हिंदू मेरा। 1951 में उन्हें आरएसएस ने आरएसएस के साथ जुड़े एक हिंदू राइट विंग राजनीतिक दल के नवनिर्मित भारतीय जनसंघ के लिए काम करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय के साथ दूसरा स्थान दिया। अटल जी ने अपना पहला संसदीय चुनाव 1955 में लड़ा, लेकिन वे उससे हार गए। उन्हें राजा महेंद्र ने हराया। अटल जी ने अपने भाषण कौशल से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को काफी प्रभावित किया था और तभी पंडित जी ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, और नेहरू की यह भविष्यवाणी सही भी साबित हुई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की जीत के बाद मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और उसमें अपने कई भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं संघ के सहयोगियों जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत को शामिल किया। 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। तभी भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन दूसरी पार्टियों के सहयोग न मिलने से उनकी सरकार मात्र 13 दिन में ही गिर गई। 1998 के आम चुनाव में फिर बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस बार उनकी सरकार 13 महीने तक चली। उनके कार्यकाल में ही 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु बम का परीक्षण किया। Hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. और उनके ही कार्यकाल में भारत ने पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध भी जीता। 1999 में जो चुनाव हुए उन चुनाव में बीजेपी को 302 सीट हासिल हुई और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनके इसी कार्यकाल में कई संकटों का सामना करना पड़ा, जैसे इंडिया के विमान का अपहरण, 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2002 में गुजरात के दंगे फसाद। इस कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया और देश की सेवा की। 1992 में अटल बिहारी वाजपेयी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1993 में उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि दी गई। 1994 में लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1994 में ही अटल बिहारी वाजपेयी को उत्कृष्ट
सांसद का भी सम्मान दिया गया। 1994 में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की उपाधि भी उन्हें दी गई और 2015 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 2015 में ही वाजपेयी जी को बांग्लादेश लिब्रन वार ऑनर का भी सम्मान दिया गया और वह काल का समय आ गया जब 16 अगस्त को शाम 5:05 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न एक प्रखर वक्ता एक महान कवि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी अंतिम सांसें ली। अंतर रोए आंख न रोए धुल जाएंगे स्वप्न सजोए छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच दूर कहीं कोई रोता है दूर कहीं कोई रहता है कहीं जीवन से मृत्यु भयो आतंक की जब गली गली है मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं नहीं रोता है। कोटि कोटि आपन हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी अमर आग है अमर आग है। न भी तो मरणा दशमी केवलम दूषितो यश भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं लोकाप्रभाव से डरता हूं। पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर झरे सब पीले पात कोयल की कुहक रात प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं गीत नया गाता हूं गीत नया। हास्य रुदन में तूफानों में अमर संख्यक बलिदानों में उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता। हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है मौत से ठन गई जूझने का मेरा कोई इरादा न था मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था रास्ता रोक कर खड़ी हो गई ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना सामने वार कर फिर मुझे आजमा मौत से बेखबर जिंदगी का सफर शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। आज सिंधु में द्वार उठा है नगपत फिर ललकार उठा है कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है घर घर में सुबह दिन जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उड़का स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं हमने उड़का स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं
निज जीवन की ज्योति जला मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का खट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अंबर के ललाट को चूमा, अतल सिंध को छान लिया था। साक्षी है इतिहास, प्रकृति का तप से अनुपम अभिनय होता, पूरब में उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं, विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, कण कण पर शोणित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली, इधर मन सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। ये बंटवारे की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, कण कण पर शोणित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली, इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हाहा खाता है, अगणित जीवन दीप बुझाता, पापों का छोका आता है, तट से अपना सर टकराकर झेलम की लहरें पुकारती, यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है सुहार। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दोआब बनाया, रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दोआब बनाया, किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंगार दिखाया, खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा, किसने पापी हाथ बढ़ाकर माता मुख उतारा। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, आज तक सुलग रहा है। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोल कर देखो घर में भीषण आग लगी है, धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुदा जगी है, हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज ना आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में पटती छाती। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज ना आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसकी ओर निहारो, सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो, जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है, जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है, कोटि कोटि संतति है माँ की लाज न लुट सकती। बाकी यज्ञ अधूरा अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकाभिमान से डरता हूं। जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। हमने
ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगी इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या, दो पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं।